आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं की वजह से अलहमदिल्ला हम सब एकदम ठीक है। नया व्लॉग स्टार्ट हो गया है। आज लग गई फोर्थ, कल आ रही है नाजा खाना, लोग उनको जाना है लेने। आज रात हम सोएंगे नहीं, आपने पिछले व्लॉग में देखा ही होगा, तो इसलिए सबसे पहले हम आके करेंगे अपनी वॉक, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके मेंटल पीस के लिए, आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए। 30 मिनट्स हो गए फ्रेंड्स, अब इससे ज़्यादा हिम्मत नहीं है। वॉक कंप्लीट हो गई है, अच्छा लग रहा है। मतलब जब आए थे ना ऊपर तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं 5 मिनट भी खड़ी हूँ, लेकिन मैंने कहा सबर लेटी तो लेटी, नया व्लॉग भी नहीं स्टार्ट हो पाएगा, वॉक भी नहीं हो पाएगी, बहुत सारी चीजें पीछे हो जाएंगी, आलस नहीं करने का। 2:03 हो रहा है। ओ, कोई सोचेगा सबा को क्या हो गया है, लग रहा है बाहर आने में। शांति, सुकून, पेड़ भी सो रहे हैं, कोई मूवी देख रहा होगा, कोई सो रहा होगा, कोई रो रहा होगा। भैया आने का, मैं अंदर ही चलती हूँ, मुझे ही डर लगने लगा। रो रहा होगा से बात ही होती है कि फ्रेंड्स हर जगह कहीं कुछ ना कुछ हो रहा होगा। फ्रेंड्स इस दुनिया में पता नहीं रहता कि किसके साथ किस वक्त क्या हो रहा होगा। इसी चीज से ना जब मैं अकेले बैठती हूँ, कभी अच्छा फील होता है, कभी लो फील होता है, तो मैं कुछ लिख लेती हूँ 4-5 लाइन। तो पूरी तो नहीं लिख पाई थी, लेकिन जितनी लिखी थी आपको सुनाती हूँ। इस एक पल में क्या कुछ नहीं हो रहा होगा, इस एक पल में क्या कुछ नहीं हो रहा होगा। कोई आया होगा अभी अभी इस दुनिया में, तो कहीं किसी के जाने का मातम हो रहा होगा। किसी को मिल रही होंगी सारे जहां की खुशियां, किसी को मिल रही होंगी सारे जहां की खुशियां, तो कोई छुप के अपने तकिए में ससक के रो रहा होगा। कोई वादा निभा के बना रहा होगा किसी को हमेशा के लिए अपना, कोई वादा निभा के बना रहा होगा किसी को हमेशा के लिए अपना, तो कोई धोखा देकर किसी को तन्हा छोड़ रहा होगा। तो अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, अभी इतना ही लिखा था, आगे कुछ याद आएगा तो आगे आपसे कंटिन्यू करूंगी। ये लिखने का, ये थॉट का यही मकसद था कि आपको नहीं पता होता कि कौन इंसान किस सिचुएशन से गुजर रहा है। कभी खुशी होती है, कभी हमारे गम होता है, कभी कोई चीज हमें कितनी अच्छी लगती है। आप फॉर एग्जाम्पल बारिश देख ले, आप खुश होंगे तो आपको बारिश अच्छी लगेगी, आप नहीं खुश हो रहे तो आपको बारिश में बहुत ज्यादा मातम नजर आता है। हर एक इंसान सिचुएशन होती है, हर एक इंसान का नजरिया होता है, हर एक इंसान क्या फील कर रहा होता है आपको कुछ नहीं पता। हमें हर एक के साथ ना बहुत नरमी से पेश आना है, किसी को रुलाना नहीं है। सबसे बड़ी बात, किसी को इस हद तक नहीं मजबूर करना कि सामने वाला रोने पे मजबूर हो जाए। सबको अपना अपना हिसाब अल्लाह के यहाँ देना, हम लोग कौन होते हैं किसी को तकलीफ देने वाले। तो बस इसीलिए आप, उम्मीद करती हूँ जो कहना चाहते हैं आप समझ गए होंगे। ये 3 कलर कॉम्बिनेशन कितने अच्छे लग रहे हैं, जैसे मेहंदी के कपड़ों का कॉम्बिनेशन होता है ना, ये देखो ब्लू येलो मैजेंटा। इतना सारा ज्ञान देने के बाद अभी सब आपको दिखाएगी अपने बनाए हुए सूट्स। तो चलो चलो फ्रेंड्स, बेसिक से सूट्स हैं। पता है कि मुझे पेस्टल शेड्स, लाइट शेड्स बहुत ज्यादा पसंद है, तो एक सूट ये हो गया है। सेकंड वाला ये हो गया है फ्रेंड्स, ये भी कपड़ा लेके भगवान कलेक्शन से शरारा बनाया था। देखने में तो पता नहीं क्यों अलग लग रहा है, ये अलग लाल लग रहा है, वो अलग लाल लग रहा है। आज हमने इसका दुपट्टा लेके ये लेस लगवा ली है। और ये वाला फ्रेंड्स पिछले 6 महीने से रखा हुआ है, मिंत्रा से मंगाया था, दुपट्टा नहीं था, बिना दुपट्टे के रखा हुआ था, पहनने में नहीं आ रहा था, फिर आज ये दुपट्टा लिया। और ये एग्जैक्ट मैचिंग कलर नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब कौन रुकता है डाइंग के लिए। इसके दुपट्टे में आज लेस ही नहीं लग पाई, भैया ने बोला हम 3 ही लगाएंगे, तो बस ये कुर्ता है। इसका पिंक प्लेन दुपट्टा लिया और व्हाइट लेस, ये सबसे खूबसूरत मुझे लगता है इसका दुपट्टा। देखिए ग्रीन और पिंक की लेस के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। ये भी कपड़ा लेके सिलवाया था, ये सारी लेसेस ली थी। शरारा ये सब तो जमील भाई बहुत अच्छा बना देते हैं। प्यास लगाई है, 3 बजे मुझे नीचे जाने में बहुत डर लग रहा है, तो मैंने यहीं पे जो कपड़े मुझे मिले मैंने वो पहन लिए। तो वॉक करने से पहले भी चेहरा धोना है, क्योंकि दिन भर का जो भी पसीना, धूल, मिट्टी या कोई भी प्रोडक्ट आपने फेस पे लगाया वो अंदर चला जाएगा। खाने ही भूल गई कि आज मैंने ये वाला दुपट्टा भी लिया था। मैं कोई भी प्लेन कलर का सूट ले लूंगी, ठीक है फ्रेंड्स। कैसा है, अभी मेरे पास 1-2 घंटे है, मैं बैठ के अपना ब्लॉग एडिट करूंगी जो मुझे आज डालना है। हाँ मैं सोने ही वाली थी, अच्छा वो लगा दियो। अभी टाइम है वैसे 1 घंटा निकलने में, जब तक कुछ खा लेती हूँ। अब सुबह वही नाश्ता भी तो करेंगे कि नहीं करेंगे फ्रेंड्स, लेकिन एक मसला हो गया कि थायराइड की दवा नहीं खाई है, क्योंकि मैं तो सो ही नहीं हूँ, तो मेरे हिसाब से तो सुबह हुई नहीं है, मेरे हिसाब से तो रात ही चल रही है। तो अभी थायराइड की दवा बाद में खाऊंगी। मन तो कर रहा है ये ना खा के ये खाऊं, आराम से बैठ के खाते हैं। रेडी हो गए और मैंने ये वाला सूट पहन लिया था, क्योंकि बाकी थे वो स्टेशन के हिसाब से थोड़े हैवी लग रहे थे, बहुत कम्फर्टेबल था और अच्छा भी लग रहा है ना। गुड मॉर्निंग, चेंज करके आई ऊपर से? यार दया गेहूं उठ उठ के तोरे घर की आज काहे नहीं आई, काहे नहीं आई, कहां सो आती अकेले, ऊपर ही रुक गई थी। हाँ। सोच रही थी बस मुझे ही भूख लगती है, तुम भी मुझसे बड़े भूखे हो। रेडी हो गए निकलते हैं, इतने सारे लोग जा रहे हैं, गुड्डू वाले बोलेंगे क्या जरूरत थी आने की, मैं तो खुद ही ले आता, लेकिन उनको कौन बताया कि इन लोगों को स्टेशन भी घूमना था, इनको बाहर का वड़ा पाव भी सुबह सुबह खाना था। अंधेरा है फ्रेंड्स इस वक्त,
जी ना तो खाला बोलिए। हम लोग बस खाना खा रहे थे, मतलब कुछ खा रहे थे, भूख लग रही थी। सब लोग सोच रहे थे कि उन्हें ना पता चले कि हम लोग जा रहे, इसलिए मैंने नहीं फोन किया। रिजन ने भी फोन नहीं पकड़ा, रेहान को पकड़ा दिया। बहुत तेज बारिश आ चुकी है फ्रेंड्स। मिलेगा नहीं खान का सही है प्रश्न, ना किसी की आने की खुशी, ना किसी के जाने का गम, बस खाने आते हैं हम। वाह चाय और सभा। अभी तक कहीं भी बड़ा पाव से नहीं दिखा है, करेक्ट 7 बजे पहुंच गए। वो लोग लगता है 8:30 पे आएंगे। हाँ? नहीं 7:30। 3 साल के बाद स्टेशन। अभी कौन आया था CST का, सनी भाई को लेने गए थे। आ, भूल गए। बड़ा पाव वाला नहीं है, अंदर है। अम्ब्रेला है कार में, क्यों नहीं है? खाने की चीज की तलाश में इतने आगे तक गए लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है। 6 नंबर, ये 6 नंबर है। कितनी थी? सारा वो है क्या इधर ट्रेन में? ट्रेन के डब्बे के अंदर। फ्रेंड्स ये कैसे हो सकता, हम लोग यहाँ वेट करते रह गए और ट्रेन यहाँ पे आई है और फोन जस्ट सामने रिहान उनको बता रहे यहाँ आओ यहाँ आओ, देखो तो उधर ही थे। भैया कह रहे सुबह सुबह कोई नहीं बनाता। नहीं बनेगा, कहीं तो कोई बनेगा। फ्रेंड्स हम लोग देखिए कितना ज्यादा भीग गए, पूरा सामान भीग गया। साड़ी पहनना है तो उसी का डिस्कशन चल रहा है ना, देखा ला कि तुम पहना देना। हाँ हम पहना देंगे, बहुत बार पहन चुके। तो अभी भी पहन लो ना शादी में। तो हमने भाभी से खाली निकाला, तुम लहंगा चुनरी ढूंढ रही है, तुम साड़ी क्यों नहीं पहन? अरे बाप तुम साड़ी पहनो। सुन के शेरवानी क्या मिल रही है? तो मिल रही शेरवानी नहीं आएगी अभी, नहीं आएगी। बारिश, इतना डर लग रहा था, बिजली चमक रही थी। और आते साथ कह रही है कि सोफे कवर कहाँ गए, मतलब ये अद्भुत चमत्कार कैसे हो सकता है कि सोफे पे कवर नहीं है। हमने कहा हम लोग थोड़ा सा बदल गए। कैसा लग रहा था मैं आके? बहुत मजा आ रहा है। हाय कैसे? हाय। तुम्हें कैसा लग रहा है, वड़ा पाव नहीं मिले? मेरी चप्पल साफ हो जाए बस। अस्सलाम वालेकुम। आ गई तुम्हारी सहेली। अच्छा हुआ बेटी का चाय बना दी हो कि बाहर कुछ खाने को नहीं मिला बारिश की वजह। रिहान तड़पता गया, तड़पता आया। इन लोग ही अंदर आते ही कोई खिचड़ी पकने लगी, क्या कर रहे थे? बोल रहे कि इस बार तो रूम कैसे साफ हो गया। नदी बहती थी यहाँ से, कपड़े यहाँ से। ये पहन के जाएगी सारा नया वो इंग्लिश में चप्पल पहन के ऐसे हाथ में पर्स लेके ऐसे सारा छोड़ने जाएगी स्कूल उस दिन। वड़ा पाव तो नहीं मिला तो बस इसे होप चाय तो ही अपना बिल भर रहे। अम्मी के साथ की चाय। हाँ ना कैसे हो? नहीं आई मेरी बहन। आ जाओ दूसरी बहन। तीनों साथ में हो गई, माशाल्लाह। बोल दो इसी बात पे फ्रेंड्स। अब हमने भी पूरी गैंग को कंप्लीट कर दिया है। ऑर्डर करे वड़ा पाव और समोसा जब आ जाएंगे तो आपको दिखा। आलू की भी ले लो चाय। हाँ राजा खाने इतनी सारी अच्छी अच्छी मेरी फेवरेट चीजें बना के लाई, मतलब हम सबकी फेवरेट है। तो बीस भी क्या रेहान सबसे पहले जाओ शुक्राने की नमाज पढ़ के। समोसा वड़ा पाव देख के खुशी से बेहोश हो गया। तो आ गए तुम्हारे करण अर्जुन आ गए। मेरे कारण उर्जन मर गए। इससे अच्छा तो मैं आ जाता। इतना तड़प रहे तुम्हें, नए स्टाइल का पाव मंगाया। पुराना स्टाइल ही दे दो भाई।
नाजा खाल अपनी आईनी की सूटकेस जमा रही। सूट अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। और मैं सोई नहीं, आप यकीन नहीं करें, कल पूरी रात से जागी हूँ, लेकिन ब्लॉग एडिट करते वक्त नींद आई थी, फिर मैंने सारा से कहा सारा मुझे ब्लैक कॉफी पिलाओ, फिर मेरी नींद भाग गई है। अब ये लोग दो दिन के लिए आए तो सोचा चलो कुछ दिला भी देते है, घुमा भी देते है। सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम, भोपाल वालों को अस्सलाम वालेकुम, सब लोगों को सबको अस्सलाम वालेकुम, अम्मी का प्यार भरा सलाम, वालेकुम अस्सलाम, रिजा अस्सलाम वालेकुम, बेटी खाना नहीं जा रही, क्यों नहीं जा रही? थोड़ा चक्कर आते हैं, मैं जा नहीं रही थी, लेकिन अब जानती हो बहन की मोहब्बत है। हाँ, वो लोग कह रही है चलो हाँ। चलिए, अम्मी नहीं जा रही थी, अम्मी को रेडी कराया, फिर खालू नहीं जा रहे थे, खालू नहीं जा रहे थे, खालू को अम्मी ने रेडी कराया। इस सब में ये हुआ कि नाजा खाला का फायदा हो गया, उसकी बहन भी जा रही है, उसका हस्बैंड भी जा रहा है। आते हैं, कुछ ऑर्डर करना है? पाव भाजी नहीं। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं, यहाँ पे नाजा खाला, यहाँ पे अम्मी, आगे खालू। अम्मी देखो हर वक्त विदाई की बात है, अच्छी बात है ना। ताली रे, ताली रे, ताली गिरा लेती हो तो हमारी तो चलो ठीक है, उम्र है, उम्र है, धोखा, लेकिन जब बच्चे गिरा सकते हो तो बड़े तो गिराएंगे ना। हम लोग घर के लिए निकल गए हैं, बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ आज, बहुत ज्यादा। मैं आपसे घर मिलके, घर पहुँच के बात करती हूँ। हम लोग घर आ गए और खालू के लो फ्रेंड्स, हमारी हालत खराब हो गई है। क्या कर रही थी? बस खाना खाओ बेटा। ब्लॉग का एंडिंग आज मैं नेक्स्ट डे ले रही हूँ, जब मैं नया ब्लॉग स्टार्ट करी हूँ, हम और खाला लोग बाहर जा रहे हैं। कल मैं इतना ज्यादा थक गई थी, आपको पता था पिछली रात मैं सोई नहीं थी, तो कल मैं जब सोई तो ना ही मैं एंडिंग ले पाई मॉल से आने के बाद, ना ही कुछ किया। उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और थैंक यू सो मच दुआओं के लिए। और जितने भी लोग मॉल में मिले, जितने भी लोगों ने देखा ये ब्लॉग देख रहे हैं, आप सबने मुझे दुआएं दी, बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह भी, मैं आपसे मिलती हूँ अगले ब्लॉग में।